गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर इज मैंगोज राउंड द ईयर। ओके, यहाँ पे देखिए तीन बच्चे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। हे टुडे नीतू, नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। ये क्या बोल रहा है कि अरे वाह, आज तो नीतू पोटैटो की सब्जी लाई है। और नीतू क्या बोल रही है, वाह अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। बोल रही वाह, अमन के लंच बॉक्स में स्वीट पूरी है। और प्रीति क्या बोल रही है, आई हैव गॉट भिंडी, और मुझे मेरे पास भिंडी है। अब आगे देखो, अब अमन क्या बोल रहा है, ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। अमन बोल रहा है नीतू से, नीतू शायद तुम्हारी पोटैटो की सब्जी स्पॉइल्ड हो गई है, खराब हो गई है। प्रीति क्या बोलेगी, डोंट ईट दैट, इसको मत खाना, यू मे फॉल सिक, तुम बीमार हो सकती हो। हियर यू टेक सम भिंडी, यहाँ पे तुम मुझसे थोड़ी सी भिंडी ले लो। ओके, डिस्कस। ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ और ओरली आंसर बता देती हूँ क्वेश्चन समझाते हुए, बाकी मैं आपको इसके आंसर्स भेज दूंगी। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड, कैसे अमन को पता चला कि आलू की सब्जी स्पॉइल्ड हो गई है। ही केम टू नो विथ फ्रॉम इट्स स्मेल, उसको उसकी स्मेल से पता चला, पोटैटो की सब्जी से स्मेल, उसको स्मेल से पता चला कि इट्स नॉट गुड। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट वॉज स्पॉइल्ड, क्या आपने भी कभी खराब फूड देखा होगा और आपको ऐसे पता चलता है कि वो फूड खराब है। यस आई हैव सीन, है ना, ऐसे लिख देना आपको, यस आई हैव सीन फूड दैट हैज गोन स्पॉइल्ड। कैसे पता चलेगा, इसने अमन को कैसे पता चला था, स्मेल्ड करके, है ना, स्मेल्ड करेंगे तो उसकी बैड स्मेल आएगी और कलर भी उसका कई बार चेंज हो जाता है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। प्रीति ने बोला कि नीतू तुम पोटैटो की सब्जी मत खाओ, अगर वो खा लेती तो क्या होता, इफ शी हैड ईटन द सब्जी शी वुड हैव फॉलन इल, तो वो क्या पड़ जाती, बीमार पड़ जाती। ओके, नेक्स्ट इज लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट, अपने किचन में देखो और पता करो कौन से आइटम्स 2-3 डेज में स्पॉइल्ड हो जाते हैं, कैन बी केप्ट फॉर वीक, एक सप्ताह कौन सा आइटम चल सकता है, एक मंथ तक कौन सा आइटम स्पॉइल्ड नहीं होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको भेज दूंगी। लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास, छोड़िए और उसको डिस्कस करना है, अपने फ्रेंड की लिस्ट भी देखो और फिर डिस्कस करो। विल यू लिस्ट बी सेम इन ऑल सीजन, व्हाट वुड चेंज, क्या सारे सीजन में एक जैसी लिस्ट बनती है कि कुछ चेंजेस होता है, है ना, एक जैसा नहीं होता, चेंजेस तो कुछ होता है आपका, है ना। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डिड यू विथ इट, अगर आपके घर में कोई खाना खराब होता है तो आप उसके साथ क्या करते हो, उस खाने के साथ खाते हो कि अलग कर देते हो, है ना, खाते तो नहीं है अपन, है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगी, आप कॉपी में कंप्लीट करते चलिएगा। नेक्स्ट है बीजी रिटर्न द ब्रेड, बीजी ने ब्रेड को वापस किया, क्यों, अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, अमन की बीजी मार्केट गई ब्रेड खरीदने। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव इट टू बीजी, शॉपकीपर ने एक ब्रेड का पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमिडिएटली, उसने उस पैकेट को देखा और तुरंत उसको वापस कर दिया। क्या था उसमें, ऐसा क्या होगा जो वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गैस वाई बीजी रिटर्न इट, पैकेट को देखो और पता करो कि ऐसा क्या था उसमें कि उसने वापस कर दिया। बीजी रिटर्न द ब्रेड पैकेट बिकॉज, ऐसा क्या होगा उसमें, मे बी एक्सपायरी होगी वो, है ना, एक्सपायरी डेट पैक मेंशन इन इट पास्ट, मतलब आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी थी इसलिए उसने वापस कर दी। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज गॉट स्पॉइल्ड, है ना, तो वही कैसे पता चला कि ब्रेड स्पॉइल्ड हो चुकी है, ब्रेड स्पॉइल्ड इसलिए हो गई थी क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो क्या हो चुकी थी,
जो एक्सपायरी डेट है वो क्या हो चुकी थी उसकी, निकल चुकी थी। इससे हमें पता चला कि ब्रेड कैसी हो गई थी, स्पॉइल्ड हो गई है। ओके नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट में देखा है, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पॉकेट। 2-3 पैकेट्स को देखो और उनमें देखो व्हाट कैन वी नो, हम क्या जानते हैं कि फ्रॉम कि उस पैकेट में क्या लिखा है। तो क्या होगा उसमें, क्या क्या लिखा होता है, प्राइस होता है, वेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग की डेट लिखी होती है कि कब बना है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है ना सिर्फ उस पैकेट पे। व्हेन यू बाय एनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। और आप जब लेने जा रहे हो कोई पैकेट मार्केट में, तो आप उसमें क्या देखोगे, हम भी वही चीज देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है, उसका रिटेल प्राइस क्या है, उसका वेट क्या है ना। ऐसा ना हो कि अपन को कुछ भी दे रहा है ना, तो अपन ये सब चीजें चेक करेंगे, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं तो। ओके नेक्स्ट आगे देखिए,